गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर लर्निंग एक्सरसाइज नंबर 8.6। सो इन दिस एक्सरसाइज वी हैव अ क्वेश्चन ऑन सब्सट्रैक्ट ₹18.25 फ्रॉम ₹20.75। तो सब्सट्रैक्ट करना है जब भी हमको, तो फ्रॉम के पीछे नंबर है, इसका मीनिंग होगा ₹20.75 में से ₹18.25 माइनस करना है, तो पीछे वाला नंबर हमेशा आगे आएगा। सो 20.75 माइनस 18.25, सो 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 2 5, 0 में से 8 नहीं जाएगा तो यहाँ पे 10 लगे और आगे एक कम होगा, तो 10 माइनस 8 2 एंड 1 माइनस 1 0, सो आवर आंसर इज ₹2.50। तो स्टूडेंट्स आपको ऐसे लिखना है अपनी नोटबुक में। देन सेकंड, 202.54 मीटर फ्रॉम 250। सो 250 में पॉइंट के पीछे कोई डिजिट नहीं है तो हमको एक्स्ट्रा ऐसे 0.00 लेने पड़ेंगे। सो 250.00 माइनस 202.54, सो 10 जब भी हम लेंगे उसके अगर अगर 0 है तो 9 ले लेंगे, अगेन 9 होगा और 5 के ऊपर 4 होगा। सो 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 2 7 एंड 4 माइनस 0 4, सो एज इट इज हमको आंसर मिलेगा 47.46 मीटर। नाउ वी आर गोइंग इन क्वेश्चन नंबर सी, ₹5.36 फ्रॉम ₹8.40। सो 8.40 में से हमको 5.36 माइनस करना है। सो 0 में से 6 नहीं जाएगा तो यहाँ हम 10 लेते हैं, उसके आगे एक कट होगा 3, सो 10 माइनस 6 4, 3 माइनस 3 0, 8 माइनस 5 3, सो और आंसर इज ₹3.04। एज इन क्वेश्चन नंबर डी, 5.206 में से 2.051 माइनस करना है, 6 माइनस 1 5 मिलेगा, 0 में से नहीं जाएगा जब भी तब 10 ले गए उसके आगे एक कट होगा, 10 माइनस 5 5, 1 माइनस 0 1, 5 माइनस 2 3, सो हमारा आंसर इज 3.155 किलोमीटर। क्लियर दिस वन? एज इट इज लास्ट क्वेश्चन, 2.107 में से 0.314 माइनस करना होगा, 7 माइनस 4 3, 0 में से नहीं जाएगा सो 10 लेके आगे एक कट, तो 1 में से 0 हो जाएगा, फिर 0 में से नहीं जाएगा, अगेन हमको 10 लेना होगा, आगे एक कट करेंगे, सो 7 माइनस 4 3, 10 माइनस 1 9, 10 माइनस 3 7 एंड 1 माइनस 0 1, सो अवर आंसर इज 1.793 kg। सो स्टूडेंट्स ये एकदम इजी एग्जांपल है अगर आपको सब्सट्रैक्शन के एग्जांपल आते हैं तो, बट आपको पॉइंट कैसे रखने हैं वही मेन समझना है, बाकी एज इट इज आप लिख सकते हो। देन सेकंड, उसके जैसे ही एग्जांपल है सब्सट्रैक्ट करने हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस माइनस दिस, जहाँ पे कोई नंबर ना हो, जैसे कि पीछे दो डिजिट तो नीचे भी दो डिजिट होने चाहिए, जैसे कि यहाँ थ्री डिजिट तो इसमें भी थ्री डिजिट होने चाहिए, तो थ्री डिजिट ना हो वहाँ पे एक्स्ट्रा जीरो आप ले सकते हो, वहाँ एक्स्ट्रा जीरो आप ले लो। देखो सेकंड में तो टू टू डिजिट है तो प्रॉब्लम नहीं है, इसमें 18.5 है तो इसको क्या ले सकते हो, 18.5 की जगह 18.50 लेना है, माइनस 6.79। लास्ट में देखो डी में 11.6 है, तो पीछे वाले नंबर में थ्री डिजिट है तो 11.6 को आप 11.600 लिखना है, माइनस 9.847। सो मेन आपको यह बाबत को ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट थिंग आपको ध्यान में रखनी है। सो पॉइंट के पीछे वाले डिजिट को सेम करने होंगे और सेम करने के लिए एक्स्ट्रा जीरो आप ले सकते हो, एंड यू डू इट योरसेल्फ, आप ये वाले एग्जांपल सब्ट्रैक्शन के खुद गिनना, मैंने आपको समझा दिया, ये सी में और डी में ही आपको थोड़े चेंजेस करने होंगे, एक्स्ट्रा जीरो लेने होंगे। क्लियर दिस वन? सो एग्जांपल नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू आपको खुद करना है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर थ्री, राजू बॉट अ बुक ऑफ ₹35.65। राजू ने एक बुक परचेस की, खरीदी ₹35.65 में, बट ही गेव ₹50 टू द शॉपकीपर, 50 उसने शॉपकीपर को दिए, सो हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक, उसको कितनी मनी वापस मिलेगी शॉपकीपर से, तो इसके लिए 50 में से ये नंबर को माइनस करना होगा। सो 50 के पीछे पॉइंट के पीछे कुछ नहीं है तो हम क्या लेंगे, 50.00 माइनस 35.65। सो 0 में से 5 नहीं जाएगा तो 10, आगे 0 है तो 9, अभी भी 0 है तो 9 और 5 के ऊपर आ जाएगा 4, सो 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 6 3,
9 minus 5, 4, and 4 minus 3, 1. So answer is 14.35. Therefore, Raju got back 14.35 from the shopkeeper. So shopkeeper se wapis kitne paise milenge? 40 rupees 35 paise. So 3 number mein bhi aapko minus karna hai. Kaise karna hai? Wo bhi maine aapko samjhaya hai. Now in equation number 4. Rani had rupees 18.50. Rani ke paas 18 rupees 50 paise hai. She bought one ice cream for rupees 11.75. 11.75 की एक ice cream उसने खरीदी. How much money does she have now? उसके पास अभी कितनी money होगी? 18.50 थे, उसमें से ice cream में पैसे हम minus करेंगे, तो उतने पैसे उसके पास बचेंगे. It is so easy. तो total money she has 18.50. Ice cream की cost 11.75. Amount left, बची हुई amount क्या होगा? 18.50. माइनस 11.75. सो जीरो के ऊपर 10, तो आगे एक कम होगा. फिर फॉर में से 7 नहीं जाएगी, तो 14 करने पड़ेंगे, आगे एक कम होगा. सो 10 माइनस 5, 5, 14 माइनस 7, 7, 7 माइनस 1, 6, एंड 1 माइनस 1, 0. सो देयर रानी हैज 6.75 रुपीज़. सो इसमें आंसर आएगा 6.75. ये वर्क आप रफ में भी कर सकते हो और एग्जाम्पल में भी आप लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो आप. Now in question number 5, Tina had 20 meter 5 centimeter long cloth. Tina has 20 meter 5 centimeter long cloth. तो ऐसा मैंने आपको कल भी समझाया था, 20 meter 5 centimeter हो तो 1 meter के 100 centimeter, तो पीछे दो डिजिट होने चाहिए, तो 20.05 meter. यही आपको मेन ध्यान रखना है. सो यहाँ पे आएगा 20.05 मीटर. सी कर्स 4 मीटर 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लोथ. उसमें से वो 4 मीटर 50 सेंटीमीटर मीन्स 4.50 मीटर क्लोथ कट कर देती है, तो कितना क्लोथ बचेगा? हाउ मच क्लोथ इज लेफ्ट विथ हर, तो माइनस करेंगे. पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे जीरो आपको एक्स्ट्रा लेना होगा. सो 20.05 माइनस 4.50, 5 माइनस 0.5, जीरो पे 10 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 9 एंड यहाँ पे 1. 10 माइनस 5, 5. 9 माइनस 4, 5. 1. सो आंसर इज देयर फॉर 15.55 मीटर क्लोथ इज लेफ्ट विथ टीना. टीना के पास 15 मीटर 55 सेंटीमीटर क्लोथ बचेगा. सो फिफ्थ में भी आपको ऐसे ही सब्सट्रैक्ट करना है एज इट इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 भी है. सो 6 में देखो, नमिता ट्रैवल 20 किलोमीटर 50 मीटर एवरी डे. आउट ऑफ दिस सी ट्रैवल 10 किलोमीटर 200 माइल बस. तो बस से इतना कवर करती है एंड बचा हुआ ऑटो से. सो हाउ मच डिस्टेंस डज सी ट्रैवल्स बाय ऑटो. तो इसके लिए भी इसको माइनस करना होगा, तो कैसे करेंगे? देखो 20 किलोमीटर 50 मीटर 1 किलोमीटर के 1000 मीटर होते हैं, तो पीछे 3 डिजिट होने चाहिए, तो 20.050 इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. तो स्टूडेंट्स आपको यही चीज़ याद रखनी है, किलोमीटर से मीटर जब हो तो 3 डिजिट होगी, मीटर से सेंटीमीटर हो तो 2 डिजिट होगी, एज इट इज किलोग्राम से ग्राम हो तो भी 3 डिजिट होगी. तो ये 3 डिजिट वाला जो मामला है या 2 डिजिट वाला, वो आपको अच्छे से याद रखना है. सो 20.050 में से माइनस करेंगे 10.200, 0 माइनस 0, 5 माइनस 0.5, 0 में से नहीं जाएगा तो 10, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1, 10 माइनस 2, 8, 9 माइनस 0, 9, 1 माइनस 1, 0. देयरफॉर 9.850 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑटो. तो वह 9 किलोमीटर 850 मीटर वो ऑटो से ट्रैवल करे. नाउ वी आर गोइंग इन अ लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस चैप्टर. यह चैप्टर का ये लास्ट एग्जाम्पल है. आकाश बॉट वेजिटेबल वेटिंग 10 kg. आकाश ने टोटल 10 kg वेजिटेबल खरीदा, उसमें से 3 kg 500 ग्राम ऑनियन था, 2 kg 75 ग्राम टोमेटोज थे एंड बचे हुए पोटेटो थे. मतलब 10 kg में से ये दोनों जो है, ऑनियंस एंड टोमेटो,
दोनों का सम हम माइनस करेंगे, तो दोनों का सम हमको पहले करना होगा। तो सम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको समझा दूँ। पहले तो यहाँ लिखा वेट ऑफ ऑनियन 3 kg 500 g, 3 डिजिट है तो कोई टेंशन नहीं है, 3.500। बट इन टोमेटो 2 kg 75 g, 75 g ओनली, तो 0.75 लिखना होगा। यहाँ पे ध्यान रखना आप खास, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। 75 g, अगर 75 लिख दोगे तो 750 हो जाएगा, तो आपको 0.75 लिखना होगा। दोनों का टोटल करेंगे पहले, सो टोटल वेट ऑफ ऑनियन एंड टोमेटो, सो दोनों का सम करेंगे, सो वी गेट 5.575 kg। सो टोटल 10 kg में से 5.575 माइनस करना होगा। तो 10 के पीछे कुछ नहीं है, मतलब 0.000 लेने होंगे। सो 10 - 5, 5, देन 9, अगेन 9, अगेन 9, एंड यहाँ पे 0। 9 - 7, 2, 9 - 5, 4, 9 - 5, 4, तो 4.425 kg। सो दस द वेट ऑफ पोटेटोज इज 4.425 kg। तो पोटेटो का वेट कितना होगा, 4 kg 425 g। दस द वेट ऑफ पोटेटो इज इक्वल टू 4.425 kg। सो मैंने आपको सबके सब एग्जाम्पल, ईच एंड एवरी एग्जाम्पल मैंने आपको समझाए हैं, आपको ये लिखने हैं अपने नोटबुक में कंपलसरी। सो हमारा ये चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर से हम आगे का चैप्टर चलाएंगे, तो यहाँ तक आपको अच्छे से लिख देना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।